हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके आए हैं कि जो सिलिन ट्रीटा के एग्जांपल है इनको कैसे याद रखा जाए शॉर्ट ट्रिक से, और उनके नाम और उसके जो दूसरे निकनेम है उसको कैसे ना याद रखा जाए। तो सबसे पहले हम फाइसेलिया, हमें एग्जांपल बताया फाइसेलिया एडम्सिया पेनाटोला गोरजुने और मेनेंड्री। तो फाइसेलिया का हम PHY मतलब फाइ लेते हैं, और एडम्सिया का अदा तो मतलब फायदा। फिर हमें उसके नाम भी याद रखना है, तो हम मतलब एक एक मतलब वर्ड लेता हूँ मैं, आपको बाद में बता के दिखाऊंगा कैसे। पोर्तुगीज, फिर एक एन ए लेते हैं पेनाटोला और सी एन मन और गोर फैन मीन और ब्रेन। तो मतलब मैंने ये खुद से बनाया है, आप अपनी तरह से अगर आपको सिंपल दूसरा तरीका याद रखने का है तो आप वैसे भी याद रख सकते हैं। जैसे फायदा, तो पहले हिंदी में लगते हैं फायदा, हमें ये भी याद रखना है। पोर्तुगीज तो फायदा पोर्तुगीज के मैन एने पोर्तुगीज के मैन जो मतलब पोर्तुगीज के जो एक मैन है उसका नाम एने है, तो मतलब फायदा पोर्तुगीज के मैन एने को अगर वो पेन और अगर वो पेन और गोरगोफेन एक साथ लेता है, मतलब कुछ ऑफर ऑफर होगा तो अगर वो एक साथ लेता है तो उसको फायदा होगा। बट मीनवाइल उसका ब्रेन डिलेमा में नहीं होना चाहिए कि मतलब खरीदूं या नहीं खरीदूं, ऐसे मीनवाइल उसका ब्रेन डिलेमा में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मतलब इस सेंटेंस से आप याद रख सकते हो, और अगर आपको कोई दूसरा कोई याद है तो वो भी याद रख सकते। देखो फायदा, तो मतलब यहाँ से आप बना सकते हैं कि फायदा का हमें पता है फाय और अदा, तो PHY से फाय फाइसेलिया और अदा मतलब अडेम्सिया, मतलब फायदा से पता चल गया कि दो एग्जांपल है फाय फाइसेलिया और अडेम्सिया। फिर उसका जो यहाँ पे मैंने पोर्तुगीज के मैन एन है मतलब पहला वाला का जो फाय है फाय और अदा, तो फाइसेलिया का पोर्तुगीज ऑफ मैन ऑफ वार और अडेम्सिया का सी एन एम ओन, एन ए से हमें याद रख लेना है कि सी एन एम ओन। अगर वो पेन और गोल क्यों ना पेन, तो पेन पेन से याद रखना है पेन नटुला, और इसमें पेन आया तो मतलब उसका निकनेम याद रखना है कि वो सी पेन होगा। और गोरगो गोरगो मतलब गोरगोनिया से याद गोरगो से याद रखना है गोरगोनिया, और उसका जो निकनेम है वो सी फेन मतलब गोरगो फेन मैंने साथ लिखा है, तो मतलब ऐसे याद रखना है। और मीनवाइल मतलब मीनड्रीना, तो मीनड्रीना का वहाँ पे लिखा ब्रेन, तो ये दोनों साथ में आएंगे, तो मीनड्रीना का जो नाम अलग है वो है ब्रेन कोरा। इसके अलावा आपको हाइड्रा याद रखना है, उसको वो भी इसका एग्जांपल है। फिर ओरेलिया जिसको जेलीफिश भी कहते हैं, देखो ये फिश वाला बहुत मतलब एक वीडियो लेके आऊँगा, अलग अलग फिश में अलग अलग लिखा है, पर हर बार वो कोर डाटा में नहीं आती। ये जेली फिश है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा कि वो सिलेंट ट्रीटा में आती है। और ओबेलिया जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है, जिसे मेटाजेनेसिस भी कहते हैं, मतलब पोल्पी से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पोल्पी में कन्वर्ट हो सकता है ये फॉर्म। थैंक यू वेरी मच।